एलिमिनेशन चेंबर का दूसरा मैच बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच हुआ था, जो शुरू से ही दूसरे के ऊपर भड़कने लग गए थे। तो शुरू में तो उनकी अच्छी लड़ाइयाँ हो रही थी, वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। बीच में ब्रॉक लेसनर को बॉबी लैशली ने स्पेयर लगाया, जिसको ब्रॉक लेसनर थोड़े से ढीले नज़र आ रहे थे। उसके बाद बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर के ऊपर एक हंट लॉक लगाया था, जिससे ब्रॉक लेसनर निकल ही नहीं पा रहे थे, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर अब ख़त्म हो गए, उठ नहीं पाएंगे। जब ब्रॉक लेसनर को लगा कि मैं अब हंट लॉक से निकल नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने एक बॉबी लैशली को लो ब्लो लगा दिया, जिसको रेफरी ने देख लिया। डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से बॉबी लैशली को विक्ट्री दे दी थी। फिर इसके बाद होना क्या था, ब्रॉक लेसनर को आया गुस्सा, उसने मचा दी तबाही, जिसको ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैशली को लगा दिया 5F5। एक अनाउंसर टेबल पे भी लगाया था, बेचारे रेफरी को भी उन्होंने उसी के ऊपर F5 लगा दिया था। आगे इनके बीच में कैसी राइवलरी चलेगी, वो तो मंडे नाइट रो में ही पता चलेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।